Hello, class 4 students. A very good morning to all. Myself, Bipin sir. Class 4 students, today we will start with the English subject, chapter number 3, Savitri and Yam. बहुत ही interesting chapter है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है. तो बच्चों, एक टाइम की बात थी, इंडिया में एक बहुत बड़े राजा थे जिनको कई सालों से उन्हें कोई भी चाइल्ड नहीं था, जिसके लिए उन्होंने कई सालों तक गॉड का प्रेयर किया, पूजा किया. फाइनली गॉडेस सावित्री उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुई और उन्होंने उन्हें गिफ्ट में एक डॉटर दिया. तो उन्होंने अपने डॉटर, अपने बेटी का भी नाम क्या रखा? गॉडेस सावित्री जी के नाम पर सावित्री अपने बेटी का नाम रखा, राइट. तो फाइनली जब वो बड़ी हुई, शी वॉज वेरी मच ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट थी. उन्होंने उनके पिताजी ने, यानी जो प्रिंस थे, उन्होंने किंग ने पूरा उन्हें परमिशन दिया कि आप जाओ, जाके अपना हस्बैंड चूज करो, आपको किससे शादी करना है. तो वो कई सालों तक बहुत से जगह गई, फाइनली वो एक ऐसे प्लेस पर आई, हर्मिटेज प्लेस पर. हर्मिटेज का मतलब होता है वो लोग जो सोसाइटी से अलग होकर रहते हैं अपने रिलीजन को मानते हुए, मतलब एक संत साधु की जिंदगी. वहाँ पर जब वो पहुँची, कौन? प्रिंसेस सावित्री. वहाँ पर जब वो पहुँची, उन्होंने देखा कि एक ब्लाइंड मैन है जिसकी सेवा एक यंग मैन कर रहा है, और बहुत सारी ब्यूटीफुल वहाँ पर भी प्रिंसेस है जो कौन सी लाइफ जी रही है, एक साध्वी की लाइफ, जो शादी नहीं करते, पूरी तरह से एक रिलीजन, एक स्पिरिचुअल पाथ पर चले जाते हैं, राइट. तो उन्होंने, उनके एक टीचर थे प्रिंसेस सावित्री के, उन्होंने उनसे पूछा अपने टीचर से ये कौन है. तो उस टीचर ने बताया ये प्रिंस सत्यवान है, यंग मैन, और ये जो ब्लाइंड मैन है, ये ब्लाइंड मैन इनके पिताजी है जो कि एक टाइम में राजा थे, लेकिन आज उनका पूरा राज साम्राज्य खत्म हो चुका है और वो एक ब्लाइंड है. तो उनका बेटा यानी प्रिंस सत्यवान उन्हें हर काम में मदद करता है. इससे वो काफ़ी इम्प्रेस हुई सावित्री प्रिंसेस, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रिंस सत्यवान से ही शादी करेगी. वो घर पे आए, उन्होंने अपने फादर को बोला, लेकिन फादर क्या चाहते थे, कोई ऐसे इंसान से शादी हो जिसमें उन्हें सारी लग्जरी चीज़ें मिल सके, लेकिन जो कि उनकी जिद थी. तो फाइनली उनके फादर ने अग्री किया, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जो पूरे पत्रिका पढ़ पाते हैं, शादी को दिखाते ना, ऐसे पंडित एस्ट्रोलॉजर होते, बहुत ही एक्सपर्ट्स. उन्होंने देखा और उन्होंने क्या बोला है, जो सत्यवान प्रिंस है इनसे आप शादी करोगे, लेकिन शादी के एक साल बाद ये मर जाएंगे. ये सुनने के बाद तो किंग और ज़्यादा शौक है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपनी बेटी से यानी सावित्री प्रिंसेस से कि आप कोई दूसरा वर चुन लो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं इनसे ही शादी करूंगी, भले एक साल बाद ये चले जाए. फाइनली उनकी शादी हो गई, दे आर लिविंग हैप्पीली, और एक साल में तीन दिन बाकी था, एक साल में तीन दिन बाकी था. सावित्री प्रिंसेस ने दिन रात भगवान का पूजा पाठ चालू किया, दो तीन दिनों तक लगा था. सत्यवान काफ़ी शौक थे, उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने प्रिंसेस सावित्री ने ये बात उनसे डिस्कस नहीं किया था. फाइनली तीन दिन प्रेयर किए, उसके बाद में सत्यवान प्रिंस ने अपनी वाइफ यानी प्रिंसेस सावित्री को बोला, मैं जंगल जा रहा हूँ वुड कट करने. जैसे पहले के ज़माने में हम देखते थे ना, लकड़ियाँ कट करके लोग लेकर आते थे, उस पर खाना पकते थे, बहुत सी चीज़ें होती थी. लेकिन प्रिंसेस सावित्री ने रिक्वेस्ट किया, मैं भी आपके साथ जंगल चलूँगी. फाइनली वो लोग जंगल गए, वहाँ पर वो लकड़ी कट किए सत्यवान राजा ने, और कुछ समय बाद वो थक के नीचे गिर गए, और सावित्री प्रिंसेस ने अपने लैप पर रखकर उन्हें जगाने की कोशिश की. उन्हें वो भी डर था जो एक साल कंप्लीट हो चुका था. और फाइनली एंट्री होती है लॉर्ड यम की. लॉर्ड यम कौन होते हैं? यमदूत बोलते हैं ना, गॉड ऑफ डेथ. वो आए और उन्होंने एक रोप लेकर आए, जिससे रोप से पकड़कर वो सत्यवान को लेकर जाने लगे. उनके पीछे पीछे सावित्री भी जाने लगी. उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मेरे हस्बैंड को आप जाने दो, माफ कर दो. लेकिन लॉर्ड यम ने बोला, ये इसके नसीब में लिखा था एक साल बाद इसे जाना है, तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, तुम मत आओ, तुम रिटर्न चले जाओ. हाँ, तुम चाहिए तो तुम्हारा कोई विश मैं पूरा कर सकता हूँ. तो सावित्री प्रिंसेस तो विश कर रही थी कि अपने हस्बैंड को छोड़ दे, लेकिन उन्होंने बोला हस्बैंड को तो मैं नहीं छोड़ सकता, सत्यवान प्रिंस को नहीं छोड़ सकता, उसके अलावा कोई भी विश जो तुम बोलोगी मैं पूरा कर सकता हूँ. तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे जो फादर इन लॉ है उनकी आंखें वापस कर दीजिए और उनका साम्राज्य उनको लौटा दीजिए. लॉर्ड यम ने कर दिया. अब फिर आगे बढ़ने लगे, आगे सावित्री भी बढ़ती चली गई. उन्होंने फिर रोका, तुम्हारा एक विश पूरा हो चुका है, दूसरा विश मांगो, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें रिटर्न नहीं मिलेगा. दूसरे विश में उन्होंने बोला, मेरे पिताजी की मैं एक ही डॉटर थी, उनको बहुत सारे और बच्चे थे, वो विश भी पूरी कर दी. फिर भी वो आगे बढ़ती रही, हिल्स आ गया, स्टीप स्लोप पे साथ में आगे बढ़ती चली गई. लॉर्ड यम ने वॉर्न किया सावित्री प्रिंसेस को, आप अभी और आगे मत आओ, आप रिटर्न चले जाओ. तो उन्होंने तीसरा विश मांगा, ठीक है
ऐसा है तो मेरे हस्बैंड सत्यवान और मेरे बहुत से बच्चे जो सत्यवान के नाम से हो, यानी जो सत्यवान के ही खून के हो, उनके ही बच्चे हो, उनके और मेरे, वो बच्चे मुझे दे दो। अब ये बात सुनकर लॉर्ड यम काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने उनके हस्बैंड को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उन्होंने बोला अगर ये बच्चा सत्यवान का ही होना चाहिए तो इसके लिए मुझे सत्यवान को छोड़ना पड़ेगा। तुम जीत गई, जाओ मैं तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ देता हूँ। फाइनली उनके हस्बैंड को छोड़ दी। फिर उनके हस्बैंड को होश आया, देख रहे थे उनकी वाइफ यानी सावित्री प्रिंसेस काफ़ी रो रही थी, उन्होंने पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली वो लोग रिटर्न चले गए, सत्यवान फिर से राजा बन गए और वो लोग अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। तो बच्चों ये था कहानी, इसके पीछे का एक्सरसाइज आपको होमवर्क कॉपी में करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।